एवरीवन, यू आर वेरी वेलकम वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लाइफ सेवर का एक्सपर्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लैंड ब्रदर्स थे वो सुबह सुबह बेचारे इतनी जल्दी उठ गए थे, लेकिन हमारे बाकी सारे लोग तो आराम से ही नाश्ते के लिए आए थे। उसके बाद जब इन लोगों का नाश्ता हो जाता है तो अचानक से विभूषण एक अजीब सी जगह जाने को होता है। वो जो जगह थी वो दूर से देखने में इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। तो अचानक से जंगशा कहने लगता है, कहाँ जा रहे हो तुम? तो विभूषण कहता है, आज तुम भूल गए, आज मेरी जीनियस लैब में जाने का दिन है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पर जंगशा कहता है, मुझे भी वहाँ जाना है, तुम कभी मुझे वहाँ नहीं जाने देते। तो यहाँ पर बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर विभूषण कहता है, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ, वो मेरी जगह है, तुम्हारा वहाँ से कोई लेना देना नहीं, वो मेरी जीनियस लैब है। यहाँ पर जंगशा कहता है, कम ऑन, मुझे देखना है तुम वहाँ पर क्या चीज़ें करते रहते हो ट्राई। यहाँ पर वो कहता है, बताऊँ तुम्हें क्या ट्राई करता हूँ, इधर कान लेके आओ। जैसे ही जंगशा वहाँ कान लेके आता है, अचानक से विभूषण जोर से करता है और ऐसे कर उसे पीछे कर देता है। यहाँ पर जंगशा कहता है, तुम पागल हो क्या, कान में इतनी तेज चिल्लाए हो। यहाँ पर विभूषण कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना सीक्रेट नहीं बताऊँगा, वह मेरी जीनियस लैब है। ये जीनियस लैब बिल्कुल वैसी है जैसे कि रियल मोदाओ जुशी में बरियल माउंट में जैसे कि एक डीमन केव थी, बिल्कुल वैसी ही केव यहाँ पर हमारे प्यारे विभूषण ने बनाई हुई थी। विभूषण एक ओमेगा है और उसे यहाँ पर ये केव बनाकर बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि उसके जितने भी एक्सपेरिमेंट होते थे ये वो वहाँ करता था और इसकी केव में आने की अनुमति किसी को नहीं होती थी। हाँ, इक्का दुक्का इसने अपनी केव में सिर्फ वेंचिंग को ही अभी तक आने दिया है, उसके अलावा ये किसी को वहाँ घुसने नहीं देता। ये बातें सुन के कि जंगशा और विंग क्या बातें कर रहे हैं, लवांग जी को भी एकदम से ये चीज सुन के एक्साइटमेंट होने लगती है। वो मन में सोचने लगता है, आखिर जीनियस लैब ये क्या होती है। यहाँ पर वो उस जगह जाना चाहता था, लेकिन विभूषण यहाँ पर जंगशा को ही नहीं जाने दे रहा था। तभी उसके पास लवांग जी आता है धीरे धीरे चल के और विभूषण के कंधे पे हाथ रख कर कहता है, विभूषण। विभूषण पीछे मुड़ता है, लवांग जी कहता है, मैं क्या तुम्हारी वो जीनियस लैब देख सकता हूँ? यहाँ पर विभूषण का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है, हाँ क्या कहा तुमने, जीनियस लैब? नो 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 नो, ये इम्पॉसिबल है, वहाँ पर सिर्फ कुछ बहुत ज़्यादा सीक्रेट लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर अपनी सीक्रेट चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता हूँ, सॉरी हाँ तुम लोग अलाउड नहीं हो। यहाँ पर वो भोली सी शक्ल बनाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जंगशा जोर से कहता है, झूठे लायर, वेंजिंग को तो तुम माने देते हो, और हम अलाउड नहीं हैं, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, मैं अलाउड नहीं हूँ, और मैं अलाउड नहीं हूँ तो लवांग जी तो वैसे भी नहीं हो सकता। विभूषण कहता है, बिल्कुल ठीक समझे, तो मेरे बचपन के दोस्त हो या बुढ़ापे के, तुम वहाँ एंटर नहीं हो सकते, वो मेरी लैब है, मेरी मर्जी में जिसे आने दूँ या नहीं। यहाँ पर वो ऐसे कह के चला जाता है आगे अपनी जीनियस लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और यहाँ पर जब वो बड़े ही शान से वहाँ जाता है, यहाँ पर सब लोग बाहर बैठे हुए थे लवांग जी की ट्रीटमेंट के लिए, वर्निंग बाकी सब भी आ रहे थे। वो लोग लवांग जी को युनमक के आउटस्कर्ट्स में लेके जा रहे थे जहाँ पे वैन प्रैक्टिस करते हैं, कि तभी जो हमारे विभूषण की जीनियस लैब थी उसमें से एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और यहाँ पर ब्लास्ट होने के बाद सारे के सारे डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगा था जैसे पूरी युनमक में मानो भूकंप ही आ गया हो, इतनी तेज़ बड़म की आवाज़ आई थी ना, विस्फोट की आवाज़ आई थी, कि सब बेचारे डर ही गए थे। और यहाँ पर बेचारे फटे कपड़ों में चलता हुआ यहाँ पर विभूषण आ रहा था, उसके हाथ में एक बहुत ही प्यारा सा तालिस्मान था जो कि बिल्कुल काला हो गया था। विभूषण की पूरी नाक पे कालक लगी हुई थी, मुंह पे कालक लगी हुई थी, और वो दौड़ते दौड़ते आ रहा था और कह रहा था, मिल गया मिल गया मिल गया। यहाँ उसकी हालत देख के सारे ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और कह रहे थे, अब तुमने क्या कर दिया, ये क्या हालत बना रखी है, बिल्कुल भिखारी लग रहे हो तुम। यहाँ पर विभूषण मुस्कुराते हुए कहता है, मिल गया, मैं इतने दिनों से बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये देखो मैंने इस एक्सपेरिमेंट को चलते मैंने एक चीज़ बना ली। यहाँ पर वो सारे कहते हैं, क्या चीज़ बना ली? यहाँ पर लवांग जी भी विभूषण को देख के हंसने लगता है, जिसे देख के शिचंग पहली बार अपने भाई को ऐसे मुस्कुराता हुआ देख के काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे थे। विंग बिल्कुल ही इतना गंदा लग रहा था ना, एकदम भिखारी, कपड़े फटे हुए, ठीक है, इधर उधर से सारे मुंह पे कालक लगी हुई और बिल्कुल बंदर जैसी शक्ल लग रही थी, सॉरी चिंपैंजी जैसी,
बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसकी स्माइल बहुत क्यूट लग रही थी। लवांगची उसे देखता रहता है और वो फिर से मुस्कराने लगता है। शिचन का कहते हैं, वांगची ऐसे मत हंसो वरना यंग मास्टर वे बुरा मान जाएंगे। यहाँ पर वेभूषण सबको इग्नोर करता है और कहता है, मैंने एक नई चीज़ बना ली, देखो मैंने इस तालिस्मान से एक चीज़ बनाई है। एक्चुअली इसे रेड थ्रेड कहते हैं। जब भी अगर कोई मेरा आने वाले टाइम में सोल पार्टनर होगा या मेरा अल्फा होगा ना, मैं उसे इस रेड थ्रेड से बांध के रख सकता हूँ। फिर वो और मैं कहीं भी जाएंगे तो अलग नहीं हो पाएंगे। ये थ्रेड हमें फ्यूचर में मदद करेगा। ये बात वो जैसे ही ये बोलता है, फिर वो कहता है, मैं ये थ्रेड किसी और को भी दे सकता हूँ। जब आप में से किसी का पार्टनर मिल जाए तो आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वेंचिंग कहती है, बकवास, ये क्या तुमने नया एक्सपेरिमेंट किया है? इससे अच्छा तो तुम किसी और चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते। वेनिंग कहता है, यंग मास्टर वे, पर मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन उसकी बहन उसे आंख दिखाती है और वो बेचारा चुप हो जाता है। यहाँ पर जंगछा कहता है, तुमने इसके लिए पूरी की पूरी केव को उड़ा दिया? मतलब तुमने इतना बड़ा ब्लास्ट किया सिर्फ इसे बनाने के लिए? मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा तुमने कोई बहुत बड़ा बम का गोला मारा होगा, बनाया होगा, या फिर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जैसे धरती वरती चिर जाएगी। तुमने ये बनाया, इसके लिए इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया? यहाँ पर वेवोशन कहता है, ये धागा कोई सिंपल धागा नहीं होगा, ये धागा ऐसा होगा जो एक पार्टनर की उसके दूसरे पार्टनर के साथ सोल को कनेक्ट करके रखेगा। हम इस दुनिया में जहाँ भी होंगे वो हमें हमेशा उसे जोड़े रखेगा। यहाँ पर यह सुनने के बाद लवांगची थोड़ा सा आगे होकर उसके तालिस्मान को देखने लगता है। वेभूषण फटाफट से अपना तालिस्मान छुपा लेता है और कहता है, तुम मत देखो, ये हमारे सेक्ट की नियुक्ति है, हमने इस चीज़ को इन्वेंट किया है, तुमने चीज़ें चुरा ली तो। और वेभूषण जो है वो स्माइल करने लगता है। यहाँ पर जियांग फेम्या कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छी चीज़ ईजाद की है, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम जाकर पहले नहा लो। वेभूषण, तुम बहुत ही अजीब दिख रहे हो, तुम्हारे सारे कपड़े फट गए हैं। वेभूषण ध्यान से अपने कपड़ों को देखता है और उसके बाद कहता है, ओह शिट, मेरे फिर से कपड़े फट गए, मुझे लगता है लैब में जाने के लिए मुझे यही कपड़े पहनने चाहिए। यहाँ पर वो जैसे ही वहाँ से पानी में से गुजर रहा होता है नहाने जाने के लिए, वो देखता है कि उसके सारे हाथ तो काले हैं और वो पानी की परछाई में अपने चेहरा देख के ही ज़ोर से चिल्ला देता है, क्योंकि वो बहुत ही गंदा, डरावना और भद्दा लग रहा था। यहाँ पर वो कहता है, हे भगवान, मेरे मुंह पे इतनी सारी कालक कैसे आ गई? और वो फटाफट से भाग कर जाता है ताकि वो नहा ले। उसे इतनी एम्बेरसमेंट हो रही थी कि सबके सामने वो इतना भूत बन के खड़ा था, तभी वो लोग हंस रहे थे। वो मन में सोचता है, हाय वेंचिंग वेनिंग क्या सोचेंगे, और वो लैंड ब्रदर्स, वो तो हमेशा नीट एंड क्लीन रहते हैं, वो क्या ही थॉट रख रहे होंगे मेरे बारे में मन में। यहाँ पर जंगछा भी मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, ये अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है तो मुझे नहीं जाना इसकी जीनियस लैब में, पता चले किसी दिन मुझे ही उड़ा दे। यहाँ पर फिर भी लवांगची को क्यूरियोसिटी थी, आखिर वेभूषण यहाँ पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर चुका होगा। वो एकदम से पूछने लगता है जंगछा से, उसने और भी चीज़ें वहाँ पर इन्वेंट की है? तो यहाँ पर जंगछा कहता है, बहुत सारी चीज़ें उसने पहले यहाँ पर इन्वेंट की है, जैसे कि उसने एक जेड ब्रेसलेट भी इन्वेंट किया था, जिससे हम लोग आपस में कहाँ हैं, किस नाइट हंट पे गए हैं, एक दूसरे का पता कैसे लगाना है ये पता चल जाता था। उसने बहुत सारी नई नई चीज़ों को भी इन्वेंट किया है, और हाँ उसने एक बार कोई बुक भी लिखी थी, लेकिन अफसोस कि वो बहुत केयरलेस है, वो अपनी चीज़ों को ढंग से नहीं रखता और सब कुछ कबाड़ मचा देता है। उसकी जगह पर सिर्फ वेंचिंग ही जाती है। वेंचिंग कहती है, तुम तो उस जगह जाना भी मत, तुम्हें पता है वो ना वहाँ पर काला जादू करता है, और अगर तुम वहाँ पर ज़्यादा घूमोगे ना तो तुम्हें मक्खी बना देगा। जैसे ही वो ये चीज़ कहती है, यहाँ पर जंगछा कहता है, नॉनसेंस, मेरा ब्रदर और काला जादू हो ही नहीं सकता। यहाँ पर वेभूषण को देखकर जो हमारा लवांगची था उसके चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। फिर वो लोग लवांगची को उसके इलाज के लिए ले जाते हैं। लवांगची अभी भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, तो वेंचिंग कहती है, किसे देख रहे हो, रास्ता तो आगे है। यहाँ पर वो कहता है, वो विंग नहीं आएगा? तो जैसे ही वो ये बोलता है तो वेंचिंग कहती है, नहीं, वो आज अपनी ही जगह पे काम करेगा। वैसे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या तकलीफ होती है। यहाँ पर लवांगची अपनी तकलीफ़ों की लिस्ट उसके सामने खोल के रख देता है कि किस तरह से वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, किस तरह से उसे सांस लेने में भी कभी कभी तकलीफ़ होती है, किस तरह से उसे पेन होता है, और कभी कभी अनबेरेबल पेन, उसे सहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें वेंचिंग को बताता है। वेंचिंग कहती है, ओह
तो तुम्हें मेडिटेशन बहुत अच्छे से करनी होगी। डोंट वरी, हम लोगों के पास काफ़ी सारी हर्बल दवाइयाँ भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं जो तुम्हारे दिमाग को शांत रखेगी, ब्लड फ्लो को नियंत्रण में रखेगी और तो और खून को जमने नहीं देगी। यहाँ पर वेंचिंग लवंगची को कहती है। मैं चाहूँगी कि वैसे भी मैं यहाँ लोटस प्यार में पढ़ने आती ही हूँ, तो तुम्हारे लिए भी सारे उपतन जितने भी हैं, मेडिसिंस जितने भी हैं, सारी चीज़ें ले आऊँगी। लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगता है, हो सकता है तुम्हें यहाँ पर इलाज कराते हुए ज़्यादा वक्त लगे। यहाँ पर लवंगची को कोई परवाह ही नहीं थी क्योंकि उसके पास एक चीज़ थी, वक्त, वो ही नहीं था तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। एटलीस्ट अगर वो ठीक होता है तो उसे अपने कुछ साल ज़िंदगी के ट्रीटमेंट में भी बिताने पड़े तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ अपने इलाज के लिए बिताई है। यहाँ पर लवंगची कहता है, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं अपना इलाज ठीक से कर लेता हूँ तो। यहाँ पर मुस्कुरा कर वंजिंग कहती है, अच्छी बात है, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा परहेज़ करना होगा, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए अपना मन मारना होगा। वंजिंग कहता है, तुम मुझे नई चीज़ें नहीं बता रही, मैंने ऑलरेडी बचपन से बहुत ज़्यादा कल्टिवेट किया है, मेडिटेट किया है और बहुत ज़्यादा अपने आप को हर चीज़ से रोका है, तो मेरे लिए चीज़ें नई नहीं हैं। यहाँ पर शेचन का कहते हैं, मेरा ब्रदर ठीक तो हो जाएगा ना? वैसे मैं भी सोच रहा हूँ जब लवंगची का उपचारण चले और जिस वक्त मेरी ज़रूरत ना हो, मैं यहाँ पर स्वर्डमैनशिप सीखना चाहूँगा, वो भी युनमक स्टाइल में। जनता कहता है, मुझसे और विंग से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आपको सीखनी है तो आपको यहाँ के बेस्ट डिसाइपल से सीखनी चाहिए जो कि मैं और विंग हैं। यहाँ पर वो प्राउडली खुद को बता रहा था। तो लैंशिचन कहते हैं, ऑफ कोर्स, क्या आप मुझे सिखाना चाहेंगे? तो यहाँ पर मुस्कुराकर कहते हैं, ऑफ कोर्स, आप मुझसे सीख सकते हैं किस तरह से तलवारबाजी होती है और किस तरह से हम यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर मुस्कुराते हुए शिचन को कहते हैं, ऑफ कोर्स, तो क्या मैं आपको शिजन कहूँ? यहाँ पर वो कहता है, नहीं नहीं, फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे शिजन कहने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ आप हमें फेवर कर सकते हैं, जब मैं और विंग कहीं घूमने जाएंगे तो बस हमारे खाने का खर्चा उठा लीजिएगा और थोड़े सा वाइन का भी। जैसे ही वो ये बोलता है, जो हमारा प्यारे से जीवजन थे वो स्माइल करते हैं। यहाँ पर लवंगची आराम से जाता है, वहाँ बैठता है, उसे बहुत सारे तरीके के बाहरी मेडिसिंस लगाई गई थी उसकी बॉडी पे और उसके बाद उसे एक हर्बल बाथ लेना था और हर्बल बाथ के अंदर बैठ के ही उसे मेडिटेट करना था। उसे हर्बल सूप भी दिया जाता है जो उसके खून को ठीक से चलने में मदद करता है, जो उसका खून गाढ़ा हो चुका है जिसकी वजह से उसे सर्टेन प्रॉब्लम आती हैं उसे भी थोड़ा कम पतला किया गया था और उसके बाद उसकी मेडिटेशन की क्षमता को बढ़ाया गया था। उसके पेट को भी साफ रखा गया था जिससे उसे अंतरियों में या बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर योग आपके माइंड को संतुलित करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा करता है। यहाँ पर आपके विचार आपके संतुलन में रहते हैं, यानी कि आपके कंट्रोल में रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी सारी इंद्रियाँ यानी कि आपका पूरा नर्व सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। और यहाँ पर लवंगची को ये लोग यही चीज़ें सिखा रहे थे, ये लवंगची को ऐसी दवाइयाँ देते थे जो उसकी बॉडी के हिसाब से सूटेबल हों। यहाँ पर बहुत सारे जो फूल वगैरह होते थे उनके भी सूप बनाकर वांगची को दिया जाता था। वांगची पहले दिन के बाद धीरे धीरे अपनी कल्टीवेशन को लोटस पेयर के अंदर ही कंप्लीट कर रहा था। लोटस पेयर में ही पूरा माहौल बना दिया गया था। वेंस के जितने भी बाहरी दवाइयाँ थी वो सारी की सारी लोटस पेयर में भी अवेलेबल करा दी गई थी क्योंकि वेंस जो थे वो अपना आधा माल लोटस पेयर के अंदर भी भेजा करते थे, जहाँ पर शाही परिवार को यानी कि शाही जियांग फैमिली को कोई भी दिक्कत ना हो। कभी कभी विंग भी लवंगची का पूरा अच्छे से जाँच पड़ताल किया करता था। लवंगची को विंग या फिर वनिंग अटेंड किया करते थे शिचन को। यहाँ पर स्वर्डमैनशिप के लिए पूरा अच्छे से आवाहन जो है हमारे जंगशा ने दिया था और दोनों मिलके स्वर्डमैनशिप जियांग स्टाइल सीखा करते थे और यहाँ पर वो लोग तलवारबाजी करते थे और एक शांत सी जगह पर लोटस पैर के बैक साइड में विंग वांगची को ट्रीट किया करता था। वांगची सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल विंग के साथ होता था। कभी कभी विंग उस पर अपने तालिस्मान भी अप्लाई कर देता था। एक बार उसने वांगजी पे अपना तालिस्मान अप्लाई किया और वांगजी के हेयर बैंड रिबन को छेड़ने लगा था। वांगजी को उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन विंग बार बार कहता है, मेडिटेट
मेडिटेट करो, कंट्रोल करो, फोकस करो लवांगची, फोकस करो। यहाँ पर वांगची को गुस्सा तो आता है लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके अपने माइंड को संतुलित रखना था। ये उसका टेस्ट भी होता था कि आपके अराउंड में अगर कोई आपको इरिटेट कर रहा है या कोई चीज़ आपका ध्यान भंग कर रही है तो आपको कैसे खुद को मेडिटेट करना चाहिए। यहाँ पर बींग जो था वो कभी कभी आराम से जब वांगची मेडिटेट करता था तो कभी उसके कान में उंगली मार देता था, तो कभी उसे गुदगुदी करने लग जाता था जिससे वांगची की मेडिटेशन बिल्कुल भंग हो। लेकिन वांगची बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके दृढ़ था। उसने सोच लिया था तो सोच लिया था, अगर उसे कोई भी चीज़ हासिल करनी है या और खुद को ठीक करना है तो उसकी उसके इरादों के बीच में कोई भी चीज़ आ नहीं सकती थी। वांगची कभी कभी मुस्कुराता भी था जब बींग उसे तंग कर करके साइड हट जाता था। बींग का ये कर्तव्य था क्योंकि उसे वेंचिंग ने कह रखा था कि अगर वांगची खुद पे फोकस नहीं कर पाएगा तो कभी भी खुद को, खुद की इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यहाँ पर वो वांगची से ज़्यादा भारी काम नहीं करवाते थे। इवन वांगची इकलौता इंसान होता था जो रातों में यहाँ पर चियांग्स के लोटस पायर में रहा करता था, बाकी सारे नाइट हंट पे भी जाया करते थे। वांगची को बहुत जेलसी होती थी, उसके ब्रदर भी जंगछा से उनका लड़ाई का स्टाइल सीख रहे थे, उनकी तलवारबाजी सीख रहे थे, पर लवांगची सिर्फ देख देख के सारी चीज़ें ऑब्जर्व ही कर सकता था। यहाँ पर एक दिन वो विंग से कहता है, विंग क्या मैं तुम्हारी तलवार से आज अपने लेंस की प्रैक्टिस कर लूँ? विंग कहता है, मेरे म्यान से निकाल के देख सकते हो तो देख लो, अगर ये तलवार तुम्हें इजाज़त दे दे तो। वो यहाँ पर विंग की तलवार को खोलने की कोशिश करता है बट वो खुलती नहीं, तो वो विंग से कहता है, ये कैसे होगा, तुम्हारी तलवार को मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा? विंग कहता है, ये तलवार सोल से काम करती है, ये तलवार मेरी गोल्डन कोर से जुड़ी हुई है, मैं मेरी फैमिली के लोग ही इसे खोल सकते हैं और कोई भी नहीं। यहाँ पर लवांगची ये जानकर बहुत हैरान था क्योंकि बिचन उसके उसके सेक्ट में सबसे अच्छी तलवार मानी जाती थी, लेकिन यहाँ बिचन से भी बढ़कर एक तलवार थी। उसने कभी ये चीज़ें सोची नहीं थी, वो बहुत अमेज था ये देख कर कि एक ऐसी तलवार भी है जो यहाँ पर विंग के पास है, जो उसकी गोल्डन कोर से कनेक्टेड है। वांगची को धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी और यहाँ पर उसकी और विंग की दोस्ती काफ़ी अच्छी होती जा रही थी। वेंचिंग जो कि जितनी सख्त टीचर दिखती थी उतनी थी नहीं, वो बहुत लीनियंसी बरत के बहुत पोलाइटली वांगची को ट्रीट किया करती थी और हमेशा वो वेवुशन को डांटा करती थी। इन सब का जो ट्रायल था ना वो देखने में बड़ा मज़ा आता था। वेंडिंग तो दूर से ही देखकर हंसता था और जब विंग उसे आंखें दिखाता था तो वो चुप हो जाता था। देखते हैं गाइस कैसा रहेगा इन लोगों का आपस में मेल जोल। अभी इनकी टीनेज एज है लेकिन जब ये भरते भरते बड़े होंगे तो क्या होगा, वांगची को विंग के साथ कैसे प्यार होगा, कैसे वांगची को विंग की कंपनी अच्छी लगने लगेगी, कब इनकी सिंपल सी दोस्ती वांगची की साइड से प्यार में बदल जाएगी। देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे वांगची का ये लोग धीरे धीरे इलाज करके उसे बेहतर कर देंगे और क्या वो तरीका होगा जो वांगची को हमेशा के लिए ठीक कर देगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।